पाकिस्तान टीम पर टूटा दुखों का पहाड़। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज पर मंडराया रद्द होने का खतरा। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले, अगर आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन और चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड को इस टेस्ट सीरीज में हरा दे, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही छोटी से बड़ी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंग्लैंड के पाकिस्तान दौरे का पार्ट 2 शुरू होने वाला है। T20 वर्ल्ड कप से पहले T20 सीरीज खेलने पाकिस्तान गई इंग्लैंड की टीम अब वहां टेस्ट सीरीज खेलने जाएगी। 1 दिसंबर से पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है, जिसकी शुरुआत रावलपिंडी में होनी थी। लेकिन खबर है कि अब ऐसा नहीं होगा। रावलपिंडी का राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है और उसे देखते हुए पाकिस्तान के इस शहर के पहले टेस्ट का वेन्यू होने पर ग्रहण लग गया है। यही वजह है कि PCB कराची को अब पहले टेस्ट मैच के वेन्यू के तौर पर देख रहा है। इंग्लैंड के पाकिस्तान दौरे पर पहले से तय शेड्यूल के मुताबिक 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच रावलपिंडी, दूसरा मैच मुल्तान और तीसरा कराची में खेला जाना था। लेकिन अब रावलपिंडी में राजनीतिक सरगर्मियों के जैसे हालात उपजे हैं, उसके बाद पहला टेस्ट मैच भी कराची में कराया जा सकता है। मतलब कराची टेस्ट सीरीज के पहले और तीसरे मैच की फिर मेजबानी करेगा। हालांकि टेस्ट मैच की तारीखों में किसी तरह के बदलाव की कोई खबर नहीं है और न ही दूसरे टेस्ट मैच के वेन्यू में कोई फेरबदल है। दूसरा टेस्ट मैच पहले की तरह ही मुल्तान में होगा। बता दें कि कराची में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पूरे 20 साल बाद इस बार टेस्ट मैच खेलेगी। उसने यहां आखिरी टेस्ट मैच साल 2000 और 2001 में खेला था। सीरीज के पहले टेस्ट मैच के वेन्यू को लेकर कराची के नाम पर फिलहाल आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि अगले 48 से 72 घंटे में इस पर फाइनल फैसला ले लिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।